दोस्तों एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पिनफैक्ट में। दोस्तों टीवी पर लाइव या फिर मैच के दौरान स्टेडियम में जाकर भाई हम अपने फेवरेट क्रिकेटर्स का दीदार तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात सामने से उनसे मुलाकात की हो या फिर उनके संग सेल्फी लेने की बात हो तो ऐसे मौके सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिल नहीं पाते, लेकिन कई बार कुछ लोगों के ऊपर किस्मत इतनी ज्यादा मेहरबान होती है कि क्रिकेटर्स खुद ही उनसे मिलने चले आते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा कई बार हो चुका है जब स्टार क्रिकेटर्स खुद ही अपने फैंस से मिलने चले आए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको क्रिकेटर्स के कुछ ऐसे ही सरप्राइजिंग मोमेंट्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी मेरी तरह कहेंगे काश यार मैं उस दिन उस जगह पे होता तो मेरी भी उनसे मुलाकात हो ही जाती। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें बिना स्किप किए। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत मजा आएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, आप मेरी सारी वीडियो देख सकें। नंबर वन, मुंबई इंडियंस सरप्राइज। दोस्तों आमतौर पर क्रिकेटर्स जो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो पब्लिक की नजरों में आने से बचते हैं, और अगर फैंस की नजर उन पर पड़ जाए तो वो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान को अपना स्पेस चाहिए होता है। खैर एक बार मैं आपको बता दूं, मुंबई में एक बर्गर किंग रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। दरअसल हुआ ये कि रेस्टोरेंट में अचानक ही लोगों का ऑर्डर लेने के लिए रिसेप्शन पर स्टार क्रिकेटर्स युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन आ गए। अगर हम दूर से भी किसी क्रिकेटर का दीदार कर लेते हैं तो हमारा दिन बन जाता है, और यहाँ तो क्रिकेटर्स खुद रिसेप्शन पर खड़े होकर लोगों का ऑर्डर ले रहे थे। इन तीनों क्रिकेटर्स को इस सिचुएशन में देखकर पहले तो वहाँ मौजूद लोगों को भाई यकीन नहीं हुआ, ये सच है या सपना देख रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला यार क्रिकेटर्स एक्चुअल में उनका ऑर्डर लेने के लिए खड़े हुए, तब उनकी हैरानी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। ऑर्डर लेने के साथ ही युवी ने, बुमराह ने, ईशान किशन ने लोगों से बातें की, उनको सेल्फीज दी और ऑटोग्राफ भी दे रहे थे। क्रिकेटर्स को इस रोल में देखकर वहां मौजूद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको बता दूं, बर्गर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच पार्टनरशिप है और ये सरप्राइज भी इस पार्टनरशिप का ही हिस्सा था। नंबर टू, पिज्जा हट सरप्राइज। भाई पिज्जा हट का सरप्राइज इतना अनोखा था कि वहां मौजूद हर कोई खुशी से झूम उठा। इस सरप्राइज के लिए पिज्जा हट ने क्रिकेट चैलेंज इवेंट के लिए एक्टर रणविजय सिंह और क्रिकेटर सौरव गांगुली के साथ हाथ मिलाया, और ये सभी फैंस को सरप्राइज देने के लिए क्रिकेट ग्राउंड की ओर निकल पड़े। ये सभी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे जहां कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। रणविजय सिंह उन लोगों के बीच गए। रणविजय को देखकर वहां मौजूद लड़के बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी तब और बढ़ गई जब रणविजय ने पिज्जा हट डिलीवरी बॉयज को बुलवाकर उन सभी को फ्री में पिज्जा बंटवाया। जी हां, ग्राउंड में मौजूद लोगों के लिए इतना ही सरप्राइज काफी था, लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी था। पिज्जा खाने के बाद रणविजय ने वहां मौजूद लड़कों के संग क्रिकेट खेला। इसी बीच नेट के पास खड़ा एक डिलीवरी बॉय बल्लेबाजों की ओर देखकर ऐसे इशारा कर रहा था जैसे उन सभी की बैटिंग काफी कमजोर है और वो उन लोगों से बेहतर बैटिंग कर सकता है। इस इशारे को देखकर रणविजय ने उस डिलीवरी बॉय के हाथों में बैट थमा दिया। पास में खड़े एक लड़के ने कमेंट पास किया कि कोलकाता में हर कोई अपने आप को गांगुली समझता है। ऑब्वियसली ये कमेंट उस डिलीवरी बॉय के लिए था। खैर डिलीवरी बॉय ने बैटिंग में अपनी काबिलियत दिखाई और 6 बॉल पर 6 छक्के जड़ दिए। उसके बाद रणविजय उस डिलीवरी बॉय के पास आकर सेल्फी लेने लगे। सेल्फी के बाद उस डिलीवरी बॉय ने अपने चेहरे से प्रोस्थेटिक मेकअप हटाना शुरू किया, और उस मेकअप के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली को अपने सामने देखकर वहां मौजूद फैंस इतने खुश हुए जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गांगुली को देखकर फैंस का रिएक्शन कैसा रहा आप खुद ही देखिए। नंबर थ्री, विराट कोहली सरप्राइज। पर जब बात फैंस को सरप्राइज देने की हो तो इसमें विराट कोहली भी पीछे नहीं है। 2019 में अपने फैंस को सरप्राइज देने के लिए विराट कोहली दिल्ली के बिग बाजार मॉल में पहुंचे। कोहली को देखकर वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोहली ने सिर्फ वहां मौजूद लोगों से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि सेल्स बॉय की तरह लोगों को 18 कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने में मदद करने लगे। एज अ सेल्स बॉय कोहली ने लोगों को 18 के प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी दी और उसके फायदे भी गिनाए। आपको बता दूं, 18 विराट कोहली का पर्सनल ब्रांड है, तो बेसिकली वो अपने ब्रांड के प्रमोशन के इरादे से ही बिग बाजार गए थे। पर फैंस के लिए तो भाई इतना ही काफी था कि किंग कोहली से उनकी मुलाकात हो गई। लोगों से बात करने के अलावा कोहली ने अपने फैंस के साथ सेल्फी भी ली और अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया। वैसे क्या कभी आपकी मुलाकात किसी क्रिकेटर से हुई है? अगर हुई है तो जरा बताइए किससे हुई है, कमेंट कीजिए। अब बढ़ते हैं नंबर फोर पर, सचिन तेंदुलकर सरप्राइज। दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, और क्रिकेट के इस भगवान के दर्शन सिर्फ नसीब वाले लोगों को ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि भगवान खुद उनके पास जाकर अपने दर्शन करवा देते हैं। कुछ ऐसा ही केरल में तब हुआ जब सचिन कार से जा रहे थे, तभी अचानक वहां कार में बैठे बैठे ही वो अपने फैन से बातें करने लगे।
सचिन को अपनी नजरों के सामने देखकर उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो सचिन से बात कर रहे हैं। सचिन का बाइक से जा रहे लोगों से बात करने का मेन मकसद था कि बाइक पर पीछे बैठे हुए लोग जो हेलमेट नहीं पहने थे वो उन्हें पहने। ऐसे में सचिन ने अपनी कार स्लो करवाई और बाइक पर पीछे बैठे लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कहने लगे। सचिन ने लोगों को हेलमेट की इम्पोर्टेंस बताई और ये भी बताया कि पीछे बैठे हुए लोगों के लिए ये कार क्यों जरूरी है। सचिन ने कार में बैठे बैठे ही कुछ मिनटों तक बाइक से चल रहे लोगों से बात की और ये कुछ मिनट ही फैंस की जिंदगी के लिए बहुत ही स्पेशल लम्हा था। नो ऑफेंस पर सचिन बाइक पर पीछे बैठे हुए लोगों से हेलमेट पहनने की बात तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने खुद भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, नहीं कहना चाहें तो कोई बात नहीं, दिल से ना लें। नंबर 5, निसान सरप्राइज। दोस्तों सोचिए क्या हो जब आप एक छोटे से ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं और तभी वहां पर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी आकर आपके सामने बॉलिंग करने लग जाए। आपको लग रहा होगा यार ये सब सिर्फ कहने की बात है, ऐसा सच में कहां हो सकता है। लेकिन दोस्तों 2015 में निसान कंपनी ने इरफान पठान के साथ मिलकर एक सरप्राइज प्लान किया था। जी हाँ, इस प्लान के तहत इरफान पठान एक छोटे से ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे लोगों के पास गए। जी हाँ, अपनी आंखों के सामने एक बड़े खिलाड़ी को देखकर भाई लोग एकदम भौचक्के रह गए, चकरा गए। इसके बाद खेल शुरू हुआ, इरफान ने बॉल संभाली और बैटिंग के लिए लोग आते गए। इरफान के सामने कई लोगों ने बैटिंग की जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। अब देखिए लोगों के लिए यार ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इरफान पठान की बॉल्स का सामना किया। आप समझ सकते हैं मतलब ये कितनी बड़ी बात थी। मैच के बाद इरफान ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने अपने ऑटोग्राफ दिए, संग में एक बैट भाई तोहफे में दिया। नंबर 6, महेंद्र सिंह धोनी सरप्राइज। भैया फैंस को सरप्राइज देने की बात और वहां धोनी का नाम ना आया तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है। अपने फैंस को सरप्राइज देना तो भाई धोनी की हॉबी बन चुकी है। एक आईपीएल मैच के खत्म होने के बाद धोनी पवेलियन में वापस जाने के बजाय दर्शकों की ओर चले गए। जिस जगह ज्यादातर बच्चे थे धोनी वहां गए, उन बच्चों से मुलाकात की और सभी को अपना ऑटोग्राफ दिया। धोनी से हाथ मिलाकर यार बच्चे तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वहीं जब एक आईपीएल मैच में धोनी आउट होकर वापस जा रहे थे तभी एक शख्स स्टैंड से भागता हुआ ग्राउंड में धोनी के पास आ गया। उसने धोनी के पैर छुए। इसके बाद धोनी ने उस फैन को गले लगाया, तू इधर आ यार झप्पी ले मेरी, और उसके बाद कंधे पे हाथ रखा उसे ग्राउंड से बाहर ले गए। महेंद्र सिंह धोनी अपने फैंस के संग सेल्फी लेने के लिए देखिए हमेशा तैयार रहते हैं, दिल वो तोड़ते नहीं है। और सेल्फी की गुजारिश लेकर धोनी के पास कोई भी आ जाए ना तो नाराज नहीं होते हैं। नंबर 7, रोहित शर्मा सरप्राइज। जब स्टेडियम में मौजूद दर्शक किसी खिलाड़ी का नाम लेने लगे तभी उस खिलाड़ी के लिए काफी गर्व का पल होता है। लेकिन जब एक मैच के दौरान कुछ दर्शक रोहित शर्मा का नाम पुकारने लगे तब रोहित ने जो किया उसको देखकर हर कोई हैरान रह गया और साथ ही लोगों के दिल में रोहित के लिए इज्जत भैया और बढ़ गई। जब दर्शक रोहित रोहित चिल्लाने लगे इसके बाद रोहित ने अपनी जर्सी पर लिखे इंडिया की ओर इशारा किया, मतलब कि वो फैन से कह रहे थे कि उनके नाम की बजाय इंडिया का नाम लें। वैसे दोस्तों अगर आपको मौका मिल जाए किसी क्रिकेटर से मिलने का तो आप किससे मिलना चाहेंगे जरा कमेंट करें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बता देना, बहुत मेहनत करके बनाते हैं आपके लिए। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कंजूसी मत करना, ठीक है। संग में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन टर्न करके आपके फोन पर पहुंच जाए और आप हमारी वीडियोस को अच्छी तरह से देख सकें और आपकी क्रिकेट की नॉलेज पूरी तरह से भर जाए, अच्छी हो जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेरी जान।